अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी यहाँ पे तो जैसा कि आप देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि नाश्ते में चलें कुछ खा ही लेते हैं, तो मैंने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट और सबके लिए ही बनाए थे। सो हमने आज नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट जो थे वो इन्जॉय किए, और साथ ही मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया था। सो लॉट्स ऑफ शुगर इन ब्रेकफास्ट आई नो, बट कभी कभी तो कर ही सकते हैं ये चीटिंग है। नाश्ते में मुझे लगता है कि ऑप्शन बहुत कम होते हैं, आई डोंट नो, समझ नहीं आता, स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में तो आई थिंक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ब्रेकफास्ट में, गर्मियों में ऐसा दिल नहीं कर रहा होता है। हमने नाश्ता कर लिया तो हम गए मार्केट, क्योंकि मुझे जो था अपने सूट के लिए बटन्स नहीं लेके दिए थे दर्जी को, सो आई थॉट के बटन्स ले लेते हैं। और मेरे दुपट्टे की जो थोड़ी सी लेस थी वो भी कम हो गई थी, सो मैंने वो भी लेनी थी, मैं वो लेने आई थी। और साथ ही हमने आज जो सूट लिया था मेरी सास ने, उनको वो जो था उसमें कोई इशू था तो हमने रिटर्न करना था। सो शॉपकीपर के पास जाएंगे तो लेट्स सी कि वो रिटर्न करते हैं नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो लेसेस और बटन्स थे वो बहुत प्यारे थे। खैर हम उसकी शॉप पर आए और उसकी शॉप पे नो डाउट बहुत प्यारे कपड़े थे, इतने कलरफुल और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में थे। जैसे कि जो टू पीस लगे हुए थे 1800 के थे, कपड़ा भी अच्छा था, स्टिचिंग भी अच्छी थी, ये ब्लैक वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था। खैर उन्होंने सूट तो सर रिटर्न तो नहीं किया था, वही होता है शॉप्स वालों का कि भाई आप एक्सचेंज कर लें और रिटर्न नहीं होगा। सो खैर काफ़ी बहस के बाद भी उन्होंने रिटर्न तो नहीं किया था, सो एक्सचेंज ही करना पड़ा। और फिर एक्सचेंज करने के लिए आंटी को खुद ही आना पड़ा, और आगे उन्होंने फिर ज़बरदस्ती एक अनस्टिच सूट ले लिया, क्योंकि स्टिच में उनको नहीं कोई समझ आ रहा था। क्योंकि जो ये ऑप्शंस दे रहे थे उसमें सिर्फ ये दो ऑप्शंस थे उनके साइज़ में, और ये दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सो इतने कलरफुल मतलब उनके हिसाब से नहीं थे, लेकिन है लेकिन शॉप पे सूट्स जो थे वो बहुत प्यारे प्यारे थे, मुझे तो बहुत सारे थे जो अच्छे लगे थे, और फैब्रिक भी अच्छा था। सो है मैंने तो इन्जॉय किया इस शॉप का टूर। और इसके ऑपोजिट पे एक और शॉप थी, इस पर भी बहुत प्यारे कपड़े लगे हुए थे कलरफुल से, और ये बैंगल्स पड़ी हुई इतनी अच्छी लग रही थी ना, तो आई थॉट के चले इसका एक क्लिक ले लेते हैं। और उसके बाद मैं घर आई और मैं पिकाचू को लेके गई थी बाहर। अब पिकाचू जो है ना बाहर जाके थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा है, जाके अब इन्जॉय भी करता है, थोड़ा आगे पीछे घूम भी लेता है, वरना पहले तो एक ही जगह बैठा रहता था। और मौसम तो ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी लाहौर में ना, सही वाली अब गर्मी का पीक चल रहा है कि बस अब तो गर्मियाँ जो है ना वो सही वाली शुरू हो गई हैं। खैर हम मैं भी इसके साथ बैठी रही और इन्जॉय करते रहे। देन घर आए तो मेरे हस्बैंड स्ट्रॉबेरीज लेकर आए हुए थे, क्योंकि एज़ यू नो कि स्ट्रॉबेरी का सीज़न जा रहा है, तो मैंने काफ़ी सारी मंगवा ली थी। है मैंने मंगवा तो ली थी, लेकिन इनको साफ़ करना और धोना इतना मुश्किल था, क्योंकि इन स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करना फिर इनको साफ़ करना मतलब काफ़ी मुश्किल काम था, मैं तो खड़े खड़े थक गई थी। लेकिन हैर सब साफ़ हो गई तो थोड़ा सुकून आया। और स्ट्रॉबेरीज़ जो है मुझे लगता है कि आप जितनी भी लो ना उसमें से आपको एक किलो एक्स्ट्रा ही लेनी चाहिए, क्योंकि एक किलो तो उसमें से वो निकल आता है जो सारी ख़राब स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, जो भी इसका लीफ वगैरह होते हैं। हैर इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ में से ये निकली थी, इनको मैंने वही पैकेट में डाल के थोड़ी शुगर ऐड करके इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। सो अब जो है एटलीस्ट एक महीना तो यूज़ हो जाएंगी, उसके बाद इंशाल्लाह आमों का अच्छा सा मौसम आ ही जाएगा, देन तो मैंगो सीज़न है। उसके बाद जी मेरे ड्राइंग रूम का रग हो रहा था गंदा, आई थॉट कि चलें इसको वॉश कर लेते हैं आज, क्योंकि धूप वगैरह तो इतनी अच्छी निकली हुई है। सो मैंने इसको वॉश करने शुरू कर दिया था। और रग वॉश करना मुझे लगता है कि गर्मियों में जो है ना मज़े का ही काम होता है, क्योंकि पानी के साथ बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं और अच्छा से इजीली हो जाता है काम सारा। है हम मैंने फिर सिंपली वही सर्फ डाला, पानी डाला, एंड देन इसको ब्रश से साफ़ किया, एंड देन वाइपर से थोड़ा सा पानी निकाला, एंड देन इसको खड़ा कर दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, एंड देन इसको हमने वॉशिंग लाइन पे डाल दिया, एंड देन इट वाज डन, रग वॉश हो गया। है रग वॉश करने के साथ साथ बच्चों ने जितना इन्जॉय किया ना, बस उनको तो लग रहा था कि आज बस पानी पानी हो गया और बस अब हम खेलेंगे इसमें पानी में। है जी रग हो गया, फिर मैंने सोचा कि चले शू रैक वाला रग भी निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि वो भी डस्ट से हो ही रहा है। रग मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट महीने बाद धोना ही पड़ता है जो कि ओपन में होते हैं। सो अंदर वाले तो बेडरूम्स वाले तो मशीन में वॉश हो जाते हैं, लेकिन ये बड़े वाले जो रग हैं इसके लिए आपको खुद ही करना पड़ता है। और अगर बहुत ही बड़ा रग है तो फिर तो उसके लिए आपको जाके वॉश करवाना पड़ता है। खैर वो ज़्यादा इजी ऑप्शन होता है, लेकिन है ये वाले रग जो हैं बहुत लाइट वेट हैं और बहुत अच्छे हैं। ये मैंने लिए थे याद नहीं है कहाँ से लिए थे, मैंने फेसबुक से ऑनलाइन लिए थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मतलब इन रग्स के नीचे डस्ट बिल्कुल नहीं जाती है। और इसके बाद मैं इतना थक गई थी, सो मेरे हस्बैंड आज लेकर आए थे पिज़्ज़ा फिर हमारे लिए, और हमने थोड़ी सी पिज़्ज़ा पार्टी की।
और पिज़्ज़ा जो था ये ब्रॉडवे का था अच्छे से, मुझे ना जो चीज़ बहुत मज़े की और यमी और डिफरेंट लगी ना वो थी कि इसकी जो क्रस्ट था इसके अंदर भी चीज़ फुल हुई हुई थी और वो बहुत मज़े का था। मतलब जैसे कि मोस्टली पिज़्ज़ाज़ में जो क्रस्ट होता है स्पेशली जो साइड्स का होता है वो थिक सा होता है और वो नहीं खाया जाता, लेकिन ये चीज़ के साथ फिल हुआ हुआ था, ये बहुत मज़े का था नो डाउट। पिज़्ज़ा हमने बहुत इन्जॉय किया और मेरी बेटी ने तो हैर बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। बच्चों को तो आप जितना पिज़्ज़ा और बर्गर खिला देना उसमें उतना ही खुश हो जाते हैं, बेशक आप घर में जो कुछ मर्जी बनाते रहे लेकिन जो इन चीज़ों को उनके लिए कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। हर मुझे पिज़्ज़ा वैसे स्पेशली हाथ से खाना ज़्यादा अच्छा इजी कंफर्टेबल लगता है। आई डोंट नो, फोक के साथ खाना मुश्किल तो नहीं होता लेकिन मुझे लगता है कि हाथ से जो मज़ा आता है ना खाने का वो फोक के साथ नहीं आता, और पिज़्ज़ा के साथ कैचअप तो हर होना मस्ट ही है। और आज के हेक्टिक स्केड्यूल के बाद आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी एंड मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा रेस्ट करूं, सो मेरे हस्बैंड ने बनाई सबके लिए चाय। मैं तो हर चाय नहीं पीती हूं, अंकल आंटी और इन्होंने ही पीनी थी तो उन्होंने चाय बनाई। और मुझे लगता है कि कभी कभी आपके पार्टनर्स को आपका ख्याल कर लेना चाहिए क्योंकि आप कि जो रूटीन चल रही होती है समटाइम इतनी टफ होती है, अगर आपका पार्टनर भी आपका ख्याल करने वाला ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। सो नो डाउट कि गुड पार्टनर्स आर ब्लेसिंग, सो बस अल्लाह ताला सबके लिए बहुत आसानियां करे और सबके पार्टनर्स के अंदर अल्लाह ताला एहसास डाले और उनके लिए बस प्यार और मोहब्बत जो है ना उनके दरमियान बहुत ज़्यादा करे, आमीन। और जी ये है पिकाचू, ये मैं यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटी थी और बस ये इनको आ गई हैं लाडियाँ और ये आ गए थे तो बस इनका फिर चल रहा है। और पिकाचू को तो बस पेट को जितना आप प्यार करते हैं ना आपके उतना अटैच हो जाता है। और यहाँ पिकाचू और यहाँ मेरी बेटी जो थी वो बेड पे जंपिंग कर रही थी, पता नहीं बच्चों को बेड पे जंपिंग करने का जो सुकून मिलता है। और रात में सबको क्रेविंग हो रही थी शॉर्मे की, सो हम लोगों ने शॉर्मा लेने चले गए और नो डाउट बहुत मज़े का था। आप घर में जैसा भी शॉर्मा बना लें अच्छा बनता है नो डाउट, लेकिन जो बाहर का शॉर्मा है ना उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। हर चीज़ के साथ मैं आपको करूँगी अल्लाह हाफिज़, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।